गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, टाइम हुआ है 6:30। फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऑफिस के लिए टिफिन बनाना होता है तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ फ्राई राइस, झटपट फ्राई राइस। मैं आपको बताती हूँ झटपट फ्राई राइस कैसे बनाते हैं। और आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा, ये देखो बाहर का व्यू। और ये रहा मेरा किचन और ये मेरे इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए। और ये अब बाहर का व्यू, चलो मैं जाती हूँ बनाने के लिए, आपको भी दिखाती हूँ। फ्राई राइस बनाने के लिए मैंने बीन्स लिया है, ऑनियन, चिल्ली, अदरक, लहसुन, शेजवान चटनी और सॉस। आप और भी वेजेस डाल सकते हो लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल के लिए झटपट बनाने के लिए बीन्स है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पनीर डाल के फ्राई राइस बनाया जाए। तो मैं पनीर डाल के फ्राई राइस बनाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने ऑयल लिया है कढ़ाई में और मैंने जीरा डाला है। आप लोग जीरा, अगर आप, मुझे जीरा पसंद है इसलिए मैंने जीरा डाला, एक्चुअली नहीं डालती जीरा। फिर उसके बाद मैं डालती हूँ चिल्ली, चिल्ली हल्की फ्राई होने के बाद हमें डालना है ऑनियन, ऑनियन डालने के बाद 1 मिनट में हम बीन्स भी डाल देंगे, ताकि कोई कोई बॉईल करके, सारे वेजिटेबल बॉईल करके डालते हैं लेकिन मैं बॉईल नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट डालती हूँ, क्योंकि वो बॉईल भी अच्छे लगते हैं लेकिन ये भी अच्छे लगते हैं। थोड़ा मतलब ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। ये रहा ऑनियन फ्राई हो रहा है, गैस को हम स्पीड में रखते हैं। थोड़ा ऑनियन का कलर चेंज हो चुका है तो अब इसमें हम डालते हैं बीन्स। ताकि ऑनियन के साथ बीन्स भी पक जाए। अगर बॉईल होता तो हम थोड़ी देर बाद डालते लेकिन मैंने बॉईल किया नहीं है, तो पहले ऑनियन के साथ थोड़े टाइम बाद। मेरे पास बाकी कोई वेजिटेबल्स है नहीं घर पे, तो मैंने थोड़ा बीन्स ज़्यादा डाल दिया क्योंकि मुझे अकेले को ही खाना है। तो हम इसे अभी थोड़ा मीडियम फ्लेम में पकने देते हैं। आप क्या करिएगा, इस जैसे ही बीन्स डाल दोगे तो हमें इसमें डालना है थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि ऑनियन जो है जल्दी से पक जाए और बीन्स जो बॉईल नहीं है, कच्चे डाले हैं हमने, वो भी थोड़ा सॉल्टी के नमक का जो जूस खींच लेगा तो मज़ा आ जाएगा। तो अब हम इसमें डालते हैं नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, क्योंकि मैंने चावल में थोड़ा सा नमक डाल दिया था तो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला। वेजी
वेजिटेबल और ऑनियन को जितना लगेगा उस हिसाब से डाल दिया। तो हमें बीन्स को ज़्यादा पकाना नहीं है, हमें इसको कम ही पकाना है। मैं आपको बता दूंगी जब तक ये कट नहीं होते तब तक हमें इसको पकाना है, जब तक ये आप हमें इजीली कट नहीं होते तब तक हम इसे पकाएंगे। ये जब पकेगा उसके बाद हम इस पर डालेंगे अदरक और लहसुन, ताकि अगर मैंने अभी डाल दिया अदरक और लहसुन तो ये क्या करेंगे चिपक जाएंगे, तो सारा चिपकेगा तो फिर उसका फ्लेवर नहीं आएगा। तो मैं हमेशा, कोई कोई जल्दी डाल देते हैं लेकिन मैं हमेशा वेजीज आधा फ्राई होने के बाद, या ऑनियन टमाटो या कोई ग्रेवी बनाते हो ऑनियन टमाटो अच्छे से पकने के बाद ही मैं अदरक और लहसुन डालती हूँ। थोड़ा बहुत पकना बाकी है, आधा पक चुका है। अब देख सकते हो ऑनियन में कलर चेंज कर लिया है। अब जब भी कोई कुछ भी सब्जी बनाओगे, जैसे ही आपने ऑनियन डाल दिया तो आप उस पर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, ताकि आप जो ऑनियन फ्राई कर रहे हो उसका एक अलग टेस्ट आएगा और फटक से पक जाएगा। सुबह का टाइम है, सब ऑफिस जा रहे थे तो गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है, शायद उसकी गाड़ी चालू नहीं हो रही है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, क्योंकि बीन्स मेरा पक चुका है। आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए हो रहा है पक इजीली। तो इसे ज्यादा नहीं पकाना है, इसको मीडियम ही पकाना है। और फिर इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन अगर आप ज्यादा डालते हो तो फटक से एक चाइनीज फ्लेवर जैसा खुशबू आ जाता है। अदरक को हमेशा एकदम बारीक बारीक काटिएगा, जैसे मैंने अभी काटा था, क्योंकि आप ज्यादा काटोगे पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। पेस्ट में टेस्ट अलग आता, आप कभी भी ट्राई करिएगा। अदरक लहसुन पूरा पेस्ट डाल के ग्रेवी बनाइएगा, और एक हल्का हल्का सा पीसना है, ना ज्यादा पेस्ट और ना ज्यादा थिक, इसका एक फ्लेवर ही अलग आ जाता है। अब मैं आपको मिलती हूँ, तब तक मैं इसे थोड़ा पका देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। Few moments later, आपको कितना स्पाइसी चाहिए आप उस हिसाब से डाल सकते हो। थोड़ा सा मैं अपने अंदाज से डाल रही हूँ चिली सॉस और कुछ सोया सॉस। कलर मैंने इसमें डाल दिया है टोटल 2 स्पून शेजवान चटनी, 3 स्पून आ गया है। अभी मैं इसमें पनीर डालती हूँ, ये ऑलमोस्ट पक चुका है।
ये जाएगा पनीर। पनीर मैंने डाल दिया है, सिर्फ हम इसको रोटेट करते हैं। मसाला पनीर में मिक्स हो सके। अब हम इसमें राइस डालेंगे। फ्राई राइस बन चुका है। चले तब तक ये बनता है, मैं जाके फ्रेश हो जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ। फ्राई राइस मेरा बन चुका है और साथ ही में साथ चाय भी बन चुकी है और फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ चाय पी के, फिर मैं निकलती हूँ। ये रहा, बारिश हो रही है, लेट हो चुका है, मुझे निकलना है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक मैं चाय इंजॉय करती हूँ। आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।